भगवान को कभी भी खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि भगवान को चढ़ाने के लिए बेलपत्र कैसे चूज करते हैं। तो ये है वो सारे बेलपत्र मैंने इसमें डाल दिए हैं। पहले इनको वॉश करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे भगवान को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, किस तरह के बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। एकदम जो पूरे पत्ते होते हैं तीन वाले, ऐसे चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको चूज करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको, ये जो मैंने पानी में धोने के लिए रखे हुए हैं, सबका पानी निकाल लेते हैं और एक सूखी बास्केट में सारा निकाल देते हैं। तो ये सारे मैंने निकाल दिए हैं, ये सारे पत्ते। अब हम इसमें से चूज करेंगे वन बाय वन। तो ये है हमारे सारे बेलपत्र, इसमें से अब हम वन बाय वन करके चूज करेंगे। ये काफी सारे लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसमें से सही कितने निकल पाते हैं जिसको भगवान को एक्चुअली में चढ़ा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो चूज करते हैं। ये है फर्स्ट, पहला पत्ता। वाओ, दैट्स अमेजिंग, मेरा पहला पत्ता ही एकदम सही निकला, दैट्स अमेजिंग। तो देखो, एज यू कैन सी, ये है पूरी लीफ, पूरे तीन पत्ते हैं और इसमें कहीं से भी ये ब्रेक और क्रैक नहीं है। तो दिस इज परफेक्ट, तो दिस लीफ इज परफेक्ट, हम इसको भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। सो एज यू कैन सी दिस, सो वाओ। तो ऐसे ही सारी, इसमें से सारी हम लीफ ऐसे ही चूज करेंगे, सारी लीव्स इस तरह की होनी चाहिए। तो इसको वन बाय वन चूज करते जाते हैं। ओ वाओ, दिस इज आल्सो गुड, दूसरी भी परफेक्ट है। ओके, ये वाली आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ब्रेक है, ये क्रैक भी है, तो ये भी थोड़ा सा बीच में से क्रैक है। और इस वाली लीफ में ओनली दो ही पत्ते हैं, तो हम इसको नहीं चढ़ाएंगे, इसको वी विल पुट इट हियर। तो सारी सिलेक्टेड इसमें है, सारी जो सिलेक्टेड, जो खंडित हैं वो सारी इसमें, खंडित यहाँ पर है, सिलेक्टेड इसमें है और इसमें से हम चूज करते हैं। तो वी विल चूज वन बाय वन। ये भी खंडित है, इसे नहीं चढ़ाएंगे। एंड ये भी खंडित है, इसको भी नहीं चढ़ाएंगे। This is perfect. तो ये है हमारे सारे चूज बेलपत्र, as you can see this. ये सारे perfect है, इनको हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। और ये सारे वो खंडित है, इनको हम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। भगवान को जब हम ये पत्ते, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो चढ़ाने से पहले अगर आप इन बेलपत्रों पे तिलक लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। ये है हमारा तिलक और ये है बेलपत्र, इन पे हम बिंदी लगा देंगे। हम इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये सारे हमारे बेलपत्र रेडी हैं। तो ये सारा, ये तिलक मैंने सब पत्तों पे लगा दिया है और हम इनको भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।